नमस्कार। किसी के जीवन का असली संघर्ष कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होता है। हम जब पढ़ रहे होते हैं तब तक परिवार से सहायता मिलती है, हमें प्यार और ममता बेहतर जीवन की आशा के साथ मिलती है। हमारे पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ माता पिता की उम्मीद भी हमसे बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि हमें जल्द नौकरी मिल जाएगी और कमाने लग जाएंगे। वे हमें खुश देखना चाहते हैं, वे हमें भरपूर और अच्छे जीवन जीते देखना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि हम उनके बुढ़ापे की लाती बने। हमारी पढ़ाई खत्म होने के साथ हमें हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम खुद कमाएं। और यह एक नेचुरल फेनोमेनन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमारे प्रदेश के कोने कोने से, दूर दराज गांव से नौकरी, कोचिंग या बिजनेस की तलाश में कई यूथ्स आते हैं। मगर इन यूथ्स के सामने एक कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, वह है यहाँ ठहरने का स्थान या रहने का घर। यह प्रॉब्लम्स स्पेशली उन बेरोजगार नौजवानों पर पड़ती है जो तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, अंजाव, तकसिंग, यंग्योंग, कुरुंकुमे जैसे दूर जिले के गांव से आते हैं। वे काम के तलाश में घर से निकलकर आते तो हैं, पर यहां आकर रहने की चिंता उनके सामने नई चुनौती बनकर खड़ी होती है। कईयों के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ना परिवार है ना कोई रिश्तेदार, साथ ही रेंट रूम का किराया भी आसमान छू रहा है। उतना ही नहीं, यहाँ रेंट रूम ढूंढना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तक कोई रेंट रूम खोजने का सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज तरीका नहीं निकाला है जिसे मकान खोजने में आसान हो। इस प्रकार ऐसे कई समस्याओं के कारण नौजवान यहाँ नौकरी खोजने, कोचिंग या इंटरव्यू के लिए आने घबराते हैं। परिणाम स्वरूप वह शहर में बसने की उम्मीद छोड़कर अपने गाँव में ही रहकर अपने माता पिता की तरह खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। उनमें से एक दो छोटे छोटे गांवों पंचायत की राजनीति में शामिल होकर राजनेता बनने कोशिश तो करते हैं, पर यह करप्शन पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। उनका टैलेंट और एबिलिटी हवा में उड़ जाते हैं। जितनी लगन और मेहनत से पढ़ाई की थी वे सब ऐसी पिघल जाती हैं जैसे धूप में बर्फ। कईयों को राजनीति का कर्जा गंदे कामों को करने में मजबूर कर देता है। इसलिए यदि ताबा थॉमस को 13 ईटानगर के विधायक चुना जाए तो वे बहुत जल्द कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दूर से आने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए 100 बेडेड वाले सेपरेट लेडीज एंड जेंट्स हॉस्टल का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ कई यूथ्स रह कर कोचिंग क्लासेस वगैरह ले सकेंगे। यह हॉस्टल 4 मंजिलों वाला होगा, आंगन खूबसूरत और सुरक्षित होगा। वहां फ्री इंटरनेट, फ्री लाइब्रेरी, मैगजीन्स, जर्नल्स, और मेल स्पेशलिस्ट भी होंगे। ऐसे हॉस्टल बनने के बाद कई फायदे होंगे, जैसे कि आपको रेंट रूम ढूंढने में समय और ऊर्जा गंवाना नहीं पड़ेगा। आपको रेंट रूम के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपनी किताब, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बिल देना नहीं पड़ेगी। आपको उस हॉस्टल में अपने एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए ध्यान लगाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। आप वहाँ रहकर कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UPSC, APPSC, NET आदि की परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कर पाएंगे। उस हॉस्टल में कईयों को रोजगार भी मिलेंगे, जैसे गेटकीपर, कुक, लाइब्रेरियन, केयरटेकर इत्यादि इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, एक मॉडल कैपिटल के सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप ही नहीं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को भी हमारे यंग एनर्जेटिक नेता थॉमस के फेवर में वोट डालने के लिए आमंत्रित करें।
आपका एकमात्र वोट हमारे प्यारे राज्य की राजधानी का भविष्य तय कर सकता है। कृपया अपना बहुमूल्य वोट का सही उपयोग करें और ताबा थॉमस को अपना नेता चुनें।